कि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किसी भी राज्य में आयोजित सबसे बड़ा ऐतिहासिक खेल आयोजन होगा। न कोई धर्म, न कोई जात पात, यह आयोजन राजस्थान में अभूतपूर्व खेल वातावरण तैयार करेगा, जिसे राजस्थान के गांव ढाणी की खेल प्रतिभाओं को राज्य स्तरीय मंच मिलेगा। सीएम गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैदान पर जब दादा पोता और चाचा भतीजा खेलने उतरेंगे तो रिश्तों में और मजबूती आएगी और गांवों में खेल भावना का विकास होगा। राजीव गांधी ओलंपिक खेल में लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और शूटिंग वॉलीबॉल खेल खेले जाएंगे। ओलंपिक खेल की मशाल अभी तक 28 जिलों में पहुंच चुकी है। श्रीमाधोपुर विधानसभा की पंचायत समिति अजीतगढ़ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी व गीतांजलि हॉस्पिटल अजीतगढ़ के तत्वाधान में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव व विशाल तिरंगा रैली का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएओ सुरेश यादव, श्रीमाधोपुर एडीएम दलीप सिंह राठौड़, विधायक प्रतिनिधि बालिंदु सिंह शेखावत सहित अनेक लोग कार्यक्रम पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री माधोपुर उपखंड अधिकारी दलीप सिंह राठौड़ व विधायक प्रतिनिधि बुलेन सिंह शेखावत ने परेड के साथ ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा 151 मीटर का तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। हमारे रिपोर्टर कैलाश यादव ने बताया कि इस अवसर पर शहीद को नमन करते हुए शहीद वीरंगनाओं का विधायक प्रतिनिधि ने शोल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाजोद की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत छात्र छात्राओं व समस्त स्टाफ द्वारा गांव के मुख्य बाजारों से गली मोहल्ले में तिरंगा यात्रा रैली निकाली। तिरंगा यात्रा रैली को प्रधानाचार्य सुमन तोबड़िया ने तिरंगा लहराकर रवाना किया। व्याख्याता गिरधारी लाल देवेंदा ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं ने भारत माता की जय कारे लगाए। केलवाड़ा में नर्सिंग स्टाफ व चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को अपनी बारी आने के लिए 1-1 घंटे से लेकर 3-3 घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल में लंबे समय से गायनिक चिकित्सक नहीं बैठने के चलते महिलाओं को खासा समय का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों के लिए निजी चिकित्सालयों की ओर अपना रुख करना पड़ रहा है। डीपीके की टीम ने जब चिकित्सालय प्रभारी राजेश राजावत से बात की तो जानकारी मिली कि 12 चिकित्सकों के स्थान पर 6 चिकित्सक ही कार्यरत है। वर्तमान में आदिवासी क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का कहर व्याप्त है। जिस दिन चिकित्सक छुट्टी पर चले जाते हैं उस दिन पूरा दिन ही तैनात चिकित्सक उपचार करने में लगे रहते हैं। नर्सिंग स्टाफ व जांच केंद्र में पर्याप्त स्टाफ ना होने के कारण ग्रामीणों को समय पर जांच नहीं मिल पा रही। श्रीनगर में पीपरा बाजार मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल अध्यक्ष महेश रोनियार की अगुवाई में क्षेत्र के सिद्धि विनायक ऑयल सेंटर व सूरज नगर बाजार के कोर्ट स्थान पर राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम किया। उक्त कार्यक्रम में अपने संबोधन में मंडल अध्यक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ध्वज पर ऊपरी केसरिया रंग देश की शक्ति व साहस को दर्शाता है।
चंदेरी में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई। उपस्थित डाक विभाग के अधिकारी उप डाकपाल आर डी कोहली, सहायक उप डाकपाल विशाल कपूर, पोस्टमैन सोबरमैन सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। डग में जैन शवते श्वेतांबर सोशल ग्रुप शाखा डग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के पुनीत अवसर पर तिरंगा थीम पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान ग्रुप कार्यकर्ता देशभक्ति के नारे लगाते हुए पौधारोपण कर रहे थे। इस अवसर पर रीजन प्रभारी राजेंद्र कुमार जैन, विनोद तलेसरा सहित अनेक सदस्यगण मौजूद रहे। जाजपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड द्वारा एटॉक ट्रैक्टर एजेंसी जाजपुर के द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। हर व्यक्ति को हर साल कम से कम एक पौधारोपण करना चाहिए। वहीं डाक ट्रैक्टर एजेंसी के संचालन भंवर लाल डाक ने कहा कि प्रकृति की सुंदरता के लिए और क्लीन गांव ग्रीन गांव की सोच रखनी चाहिए। कहा कि ऐसा हरियाली का नजारा देखने को मिलेगा। डाक ट्रैक्टर एजेंसी द्वारा हर वर्ष सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। चंदेरी में आजादी के अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुरादपुरा व ग्राम पंचायत प्राणपुरा में विशाल तिरंगा यात्रा ढोल डीजे आदि से निकाली गई। तिरंगा यात्रा हर गली मोहल्ले सड़क व बाजार से होते हुए पंचायत भवन में समापन हुआ। समापन के समय सभी को तिरंगा वितरण किया गया। आगरा में न्यूरो फिजिशियन के प्रसिद्ध डॉक्टर नरेश शर्मा ने भी अहम जिम्मेदारी निभाई कि डॉक्टर नरेश शर्मा के द्वारा शनिवार को दिल्ली गेट मधुबन प्लाजा पर स्थित डॉक्टर नरेश शर्मा क्लिनिक पर आए मरीजों को तिरंगा झंडा और लड्डू का वितरण किया। करीब 100 से अधिक मरीजों को डॉक्टर नरेश शर्मा ने तिरंगा और मिठाई का वितरण किया। इस दौरान प्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर नरेश शर्मा ने झंडे से हमारी पहचान बताई। आगामी 15 अगस्त तक हम सभी मरीजों को तिरंगा और मिठाई का वितरण करेंगे। तिरंगा वितरण करने का हमारा मकसद सिर्फ यह है कि सभी घरों में हमारा तिरंगा फहरे। इस अभियान को हम कामयाब बना सकेंगे। डॉक्टर नरेश शर्मा ने कहा कि हमारे यहाँ जो भी मरीज दिखाने आता है हम उनका पूरा एड्रेस लिखते हैं और तिरंगा का पान न हो। आगामी 17 अगस्त से हम फिर मरीजों से तिरंगा वापस लेने का भी काम करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज़ पर।